लोकल 18 की टीम इस समय मुजफ्फरपुर के माली घाट में है और हमारे पीछे जो ऑटो है, इस ऑटो मालिक की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। इनके जो मालिक है उसने ऑटो की सीट से डायरेक्ट KVC के हॉट सीट तक का सफ़र तय किया है। ये उनका साधारण सा घर है, साधारण से परिवार से वो बिलोंग करते हैं और हमारे साथ हैं, इनका नाम पारस मनी है। और किस तरीके से KVC में गए, कितना अनुभव रहा है वहाँ का अनुभव देखिए, बयान करने के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे हिंदी के छात्र हैं हम भी, लेकिन क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा। बिग बी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलकर आपके, वो कहते हैं ना कि पाप पुण्य हरण हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। उनसे मिलने भर का परेशानी होता है क्योंकि पहले से एक एक्साइटमेंट होता है कि आप क्या पूछेंगे, कैसे आप उनसे बात कर पाएंगे, लेकिन जब वो एक बार आ जाते हैं सामने तो फिर सारी समस्याओं का समाधान भी वो खुद है। एक बार आ गए और आपसे बात करने लगे तो फिर लगता है कि ये इंसान क्या है क्या नहीं पता नहीं, तो इसलिए उनका बरप्पन करके मैं सूरज को दिया तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। KVC में जाने का पहले से ही विचार था, पहले से भी कुछ तैयारी वगैरह कर रहे थे? देखिए, हम अपने, मेरा टोटो है और जब मैं टोटो लिया हूँ तब से, तो उससे पहले भी मैं यूट्यूब मोबाइल रखता हूँ, मेरा काम भी था मोबाइल में रिचार्ज करना और सिम बेचना, तो मोबाइल मेरे पास रहता था। तो जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं कभी भी, आज तक याद नहीं है कि टीवी उसमें कुछ और देखा या फिल्म या गाने या कुछ सुना, जब भी देखा तो उसमें कुछ ना कुछ GK GS से संबंधित बातें ही पढ़ी लिखी। कुछ सर हैं जिनसे कि जो अंकित अवस्थी हैं या उन लोगों का ही बस वीडियो देखना मेरा काम था और बस अपने पर्सनल यूज में वही ठुआता था कि मैं GK GS का सिर्फ ये दे। अभी जब से टेम्पो लिया तो उसमें बाजा है, आज तक गाना नहीं बजा है उसमें, सिर्फ वो लगा करके और उसमें GK GS सुनते रहना है। हाँ, तो ये ही तैयारी मैं किया क्योंकि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा कविता भी लिख चुके हैं और उसको बताते भी हैं, क्या है वो कविता? हाँ, कविता मैं लिखता हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो लिखता ही रहता हूँ, ये मेरे टाइम पास करने का सबसे अच्छा ये है। मेरा दो ही ये है कि मैं जब भी घर जाता हूँ तो कुछ पौधे लगाता हूँ और दूसरा है मेरा कि मैं कविता लिखता हूँ। तो मैं जब वहाँ CMC भेलौर में था, अकेलापन महसूस हुआ तो मैं वहाँ एक कविता लिखा था। तो कविताएं बहुत है लेकिन वहाँ जो लिखा मैं, वो बिग बी ने मुझे ये किया कि मुझे सुनाई तो मैं उन्हें सुनाया, तो उस कविता का नाम था अद्भुत टमटम। क्या बात, हमारे दर्शकों सुनाइए। इस जीवन का क्या भरोसा, सबको ये बतलाता जाए, ऊपर नीचे ऊबर खाबर सब पर राह बनाता जाए, टप रप टप रप टप रप टप रप अद्भुत टम टम बरता जाए, सांस का टम टम बरता जाए। जन्म से चलना शुरू किया है, मौत ही आखिरी मंजिल है, बीच में मिलते ढेर चौराहे, सोच चलो जहाँ चलनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, बात तो बिल्कुल सच्ची है, अच्छी कर लो अपनी करनी, राह तेरी अभी अच्छी है, ठीक से चलना चौराहों पर, ओ, 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 देख के चलना चौराहों पर, कहीं ये टम टम मुर ना जाए। इस जीवन का क्या भरोसा, सबको ये बतलाता जाए, टप रप टप रप टप रप टप रप अद्भुत टम टम बरता जाए। अच्छा, सबसे खास पल क्या रहा, सबसे खास बातचीत क्या हुई अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन जी से क्या कहें, यहाँ मैं बहुत पीछे रह गया। अमिताभ बच्चन सर से जब बात करने आया और मैं अपने पिछली दुनिया को जब देखने लगा कि मुझे एक्चुअली मैं दुनिया में ही नहीं होना चाहिए, मैं उस दौर से गुजरा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे कई बार मैं कई दिन तक बेहोश ही रहा हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि मेरा तो अस्तित्व ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एकाएक लगा कि ये कहाँ मैं आ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा ये वहाँ पर जा कर के ये हो गया, भावुक हो गया, तो उसके बाद मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, हालांकि बहुत संभाले। वो बोले कि कोई ऐसा बात बताइए जिसमें कि आपको लगता हो कि आपके जीवन में घटित हुआ और उससे हंसी लगता हो। तो मैंने उन्हें बताया कि सर क्या कहें, हम
टेम्पू वाले हैं, और जब से ये केवीसी का मुझे आ गया तो मैं अपने आप में सोचते सोचते खो जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। एक दिन मैं अपने बेटी को स्कूल छोड़ के आ रहा था, और टेम्पू वाले की आदत क्या होती है कि अगर बगल से कोई गुजर रहा है तो उसको पूछ लिया कि कहाँ जाइएगा। तो मैं भी आ रहा था, मैं मैडम को बोला क्या कि से एक मैडम थी, मैं बोला कहाँ जाइएगा, वो अब हमको घूर के बोले कि से पागल हो गया क्या। फिर मैं कहा कि मुझे समझ में नहीं आया सर, तब मैं जब देखा कि तब मैं ऑटो से नहीं, मैं अपने बाइक से बेटी को छोड़ने गया था, अब मेरा दिमाग से उतर गया था। तो इस पर बहुत उनको भी हंसी लगी, कहीं ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, लेकिन ये केवीसी के चक्कर में जो है ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा वहाँ ओझल हो गया था कि मैं इस तरह से। तो ये सब ही बातें हुई, कुछ नॉर्मलाइज करने की वो बहुत प्रयास किए हमको, फिर हमसे कविताएँ सुनी। क्वेश्चन आंसर का जब दौर हुआ तो फिर उसमें भी मेरा अच्छा ही रहा है हिसाब किताब। तो यही सब बात हुई वहाँ। चलिए, उनकी पत्नी भी हमारे साथ है, आप भी रही थी, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्या ही बताए। इन वहाँ जाने के बाद तो मतलब समझ में नहीं आया था क्या करना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में एक मतलब लगा कि जब मतलब कहाँ थे और कहाँ चले आए हैं। तो और क्या बताया, वहाँ पे बहुत सारी बात हुई उनसे। क्या क्या देखे वहाँ से, क्या सब लाए हैं? लाए तो बहुत कुछ है। ये एक मिला है हमको, अच्छा। ये मिला है कल्याण का, ये वो हमको गिफ्ट दिए हैं अपने हाथ से, हमको दिए। हाँ, अपने हाथ से दिए। और एक एटम वर का फैन है जो वो मिला है। उसके बाद वहाँ पे था मुंबई वाले को भी जाना, उनके पास अलाउ नहीं था, लेकिन हम लोग को खुला ऑफर था, हम लोग जाते थे उनके पास, जाके बात करते थे, बगल में खड़ा होकर फ़ोटो वोटो सब खिंचवाए हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक खास सवाल रहेगा कि जो पैसा आपने कमाया है, आपकी तीन बेटियाँ हैं, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इनकी शादी में लाएंगे, इनकी पढ़ाई के लिए, या फिर क्या करेंगे बिजनेस? शादी के लिए, देखिए शादी के लिए हम नहीं सोचते हैं। अगर इनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, इन्हें तालीम अच्छी मिल जाती है, ये कहीं सेट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि चूँकि बेटियाँ हैं और हमने देखा है बेटियों की परेशानी, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने पैर पर खड़ी हो जाए ये लोग। इसके लिए मुझे जो भी खर्च करना पड़ेगा इसमें से ही खर्च होगा, और उसके लिए मैं थोड़ा भी नहीं सोचूंगा, और मेन पैसा वहीं जाएगा, मेन खर्च पारस मनी सिंह। तो पारस मनी जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक टोटो चलाकर इतना कुछ किया है, साधारण परिवार से आते हैं और यहाँ तक वो पहुँचे हैं, अमिताभ बच्चन जी से मिले हैं, करोड़पति में इन्होंने अच्छी खासी रकम कर लखपति बन चुके हैं। ये इनकी कहानी थी जो लोकल 18 के साथ इन्होंने शेयर किया है। मुजफ्फरपुर से लोकल 18 के लिए ऋतुराज।